बीए पार्ट सेकंड होम साइंस की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। हम कर रहे हैं विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन चल रहा है हमारा टॉपिक। आज हम करेंगे विटामिन ई के बारे में। वसा में घुलनशील जो विटामिन है हमने ए पढ़ा, बी पढ़ा और ई आज की क्लास में हम करेंगे। तीसरा जो महत्वपूर्ण वसा में घुलनशील विटामिन है वो विटामिन ई है। विटामिन ई जिसे टोकोफिरोल कहते हैं। यह विटामिन, इस विटामिन की खोज 1922 में इवांस तथा विसाक ने की थी। विटामिन ई की खोज 1922 ईस्वी में इवांस तथा विसाक के द्वारा की गई थी और उन्होंने अनेक प्रयोग और अनुसंधान किए और सिद्ध किया कि चूहों में सामान्य प्रजनन क्रिया को संपन्न करने के लिए एक तत्व की आवश्यकता होती है और वही तत्व कौन सा है? ई है। उन्होंने इस तत्व का नाम विटामिन ई रखा। वनस्पतियों में यह तत्व कच्ची जो वनस्पति है उनके अंदर यह पाया जाता है, तभी उन्होंने इसका नाम ई रख दिया कि भी ई नामक पदार्थ है, विटामिन है जो कि प्रजनन शक्ति के लिए, सामान्य जो प्रजनन शक्ति है उसके लिए जरूरी होती है। और टोकोफिरोल जो है, टोकोफिरोल है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। यह शब्द बना है। टोकोफिरोल किससे बना है? टोकोस तथा फेरोल को मिलाकर ये बना हुआ है, जिसका जो अर्थ होता है, इसका जो अर्थ है वो क्या है? इसका अर्थ है शिशु को जन्म देना। टोकोफिरोल का जो अर्थ है वो है शिशु को जन्म देना। इसीलिए यह है क्या है, प्रजनन जो प्रजनन की जो सामान्य क्रिया है उसके लिए आवश्यक होता है और जन्म देना। और फिरोल का अर्थ है संपन्न करना अथवा एक एल्कोहल है। ओल क्या है? एक एल्कोहल होता है। रासायनिक विशेषता क्या है इसकी? एक तो यह पीले रंग का पदार्थ होता है। जो टोकोफिरोल है वो पीले रंग का पदार्थ होता है। यह जल में घुलनशील नहीं होता, यह वसा में घुलनशील होता है। यह ताप और अम्ल के प्रति स्थिर रहता है। क्षारीय माध्यम में यह धीरे धीरे नष्ट होने लग जाता है। जब इसको एसिड मीडियम में डाल दिया जाता है तो ये घुल जाता है यानी नष्ट होने लग जाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये ऑक्सीकृत हो जाता है और इसकी कार्य करने की जो क्षमता है वो घट जाती है। विटामिन ई का ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण पदार्थ भी कहते हैं, क्योंकि विटामिन ई की उपस्थिति में वसा का ऑक्सीकरण नहीं होता है। इसी कारण
वसा जैसे कि घी और तेल में दुर्गंध सुगंध उत्पन्न सड़ांग उत्पन्न नहीं होती है। जो हमारे लंबे समय तक तेल और घी पड़े रहते हैं वो किस वजह से नहीं स्मेल होती उनके अंदर, क्योंकि उनके अंदर विटामिन ई की उपस्थिति के कारण उनका ऑक्सीकरण नहीं हो पाता, जिस वजह से उनमें दुर्गंध नहीं आती है। इसकी इसी विशेषताओं के कारण वसा में उपस्थित विटामिन ए तथा कैरोटीन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है, तथा ये दोनों ही तत्व शरीर में भली भांति रूप से कार्य करते हैं। अगर इनका ऑक्सीकरण हो जाएगा यानी उड़ जाएगा, एक तरह से मानो कि उड़ गया, अगर ये उड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इससे जो उपस्थित जो तत्व इनसे मिलने वाले थे, पौष्टिकता जो इनसे मिलने वाली थी वो नहीं मिल पाती है शरीर को। परंतु बहुत अधिक रेंसिड युक्त वसा में इसका ऑक्सीकरण हो जाता है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से विटामिन ई का विघटन होता है, डीकम्पोजिशन जो होता है वो सूर्य की रोशनी में हो जाता है। तो ये है हमारा इसकी रासायनिक विशेषताएं कि विटामिन ई में कौन कौन सी रासायनिक विशेषताएं पाई जाती हैं। अब विटामिन ई के कार्यों पर चर्चा करते हैं कि इसके कौन कौन से कार्य होते हैं। इतना आपको समझ में आया कि विटामिन ई को टोकोफेरोल कहते हैं, आपके एग्जाम में आ जाए टोकोफेरोल के बारे में बताइए तो कंफ्यूज नहीं होना, विटामिन ई को ही कहते हैं। 1922 में इसकी खोज की, अगर आपके इसके बारे में पूछे तो आपको ये जरूर बताना पड़ता है कि कब इसकी खोज हुई और किसने इसकी खोज की। इवांस तथा बिसाब ने 1922 में विटामिन ई की खोज की, चूहों के ऊपर परीक्षण किया था उन्होंने और उन्होंने पाया अगर उनको विटामिन ई आहार में नहीं दिया जाता तो उनकी जो सामान्य प्रजनन क्रिया है वो नहीं संपन्न होती है, वो अच्छी प्रकार से नहीं होती, यानी कि कहे कि वो शिशु को जन्म नहीं दे पाते हैं। टोकोफेरोल का अर्थ कहाँ से लिया गया, ये शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। टोकोस तथा फेरोल का अर्थ है शिशु को जन्म देना। अब इसकी भी कुछ विशेषताएं मैंने बताई, अब हम करेंगे इसके कार्यों पर चर्चा। कार्य, सबसे पहला कार्य जो अभी बताया ये क्या करता है, विटामिन ए, विटामिन ए तथा कैरोटीन की, ए तथा कैरोटीन को का ऑक्सीकरण से रोकता है।
स्ट्रक्चर में। होने से रोकता है। अगर इनका ऑक्सीकरण हो जाएगा, भी बताया कि विटामिन ई में ऑक्सी प्रतिरोधक गुण होता है। इसी विशेषता के कारण ये विटामिन ए तथा कैरोटीन के ऑक्सीकरण को रोक देता है। इस प्रकार यह विटामिन ए तथा कैरोटीन होने से तथा कैरोटीन को नष्ट होने से बचा लेता है। अगर तेल वगैरह के अंदर विटामिन ए या कैरोटीन जो होता है उसको ये खराब होने से बचा लेता है। इसके अतिरिक्त यह तंतुओं में पाए जाने वाले असंतृप्त वसीय अम्लों अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है उनके स्व ऑक्सीकरण को भी रोकता है। जैसे कि तेलों में असंतृप्त जो वसीय अम्ल होते हैं पशुओं के, उनमें यह है तंतुओं के अंदर, तो उसको भी ये नष्ट होने से रोकता है। विटामिन ए के अभाव में असंतृप्त वसीय अम्लों का ऑक्सीकरण हो जाता है, जिसका परिणाम होता है कि तंतुओं में पीले तथा भूरे रंग के पदार्थ भर जाते हैं। आरबीसी के निर्माण में, लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में विटामिन ई आरबीसी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह आरबीसी के को ऑक्सीकारक पदार्थों जैसे हाइड्रोजन पैराऑक्साइड है और हाइड्रोजन पैराऑक्साइड से टूटने फूटने एवं नष्ट होने से बचाता है। विटामिन ई के अभाव में आरबीसी का ठीक प्रकार से निर्माण नहीं हो पाता और जिस प्रकार से वे एक बड़ा आकार ग्रहण कर लेते हैं, जिन्हें मैक्रोसाइट्स कहते हैं, क्योंकि न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण के लिए विटामिन ई बेहद जरूरी होता है। इसकी कमी से मैक्रोसाइटिक रक्त अल्पता रोग हो जाता है। मैक्रोसाइटिक अनीमिया है वो इसकी कमी से हो जाता है, क्योंकि आरबीसी नहीं बनेगी तो उस वजह से ये रोग हो जाता है। कोशिकाओं की रचनात्मक एकता को बनाए रखने में भी विटामिन ई महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अभाव में कोशों की रचनात्मक एकता है वो बिगड़ जाती है, जिससे कोशिकाओं का बाह्य आवरण नष्ट होने लग जाता है। प्रजनन क्षमता में सहायक होता है। ये विटामिन ई सामान्य प्रजनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी कमी से स्त्री तथा पुरुष दोनों में ही प्रजनन शक्ति क्षीण हो जाती है और यौन हार्मोन का स्रावण अनियमित हो जाता है, अनियंत्रित तथा असंतुलित हो जाता है। इसी कारण इसे बंधता प्रतिरोधक पदार्थ भी कहते हैं, यानी बंधता बंध जाने से रोकने में भी यह है मदद करता है, इसलिए बंधता प्रतिरोधक पदार्थ इसको कहा गया है। अगला है न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के डाइजेशन में भी ये हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म में यह मदद करता है, चयापचय में मदद करता है। यह हीम प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। बंदरों और खरगोश पर कई प्रकार के अनुसंधान किए गए, रिसर्चेज की गई, तो उनमें पाया कि जिन बंदरों एवं खरगोशों में विटामिन ई की कमी थी उनकी पेशियों में डीएनए का संश्लेषण अधिक हुआ है। फिर और भी इसके कार्य क्या हैं, इनके अलावा यह शरीर में कोलेस्ट्रॉल तथा विटामिन डी की उपयोगिता को प्रभावित करता है। मांसपेशियों को सामान्य क्रिया में भी विटामिन ई सहायक होता है, जो हमारी मांसपेशियां क्रिया करती हैं उनमें भी ये सहायता करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी भाग में विटामिन ई काफ़ी मात्रा में उपलब्ध होता है। इसके अभाव में हृदय के उत्को एवं पेशियों में कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं, अगर ये विटामिन ई नहीं पहुँचेगा तो। विटामिन ई यकृत को, या कहे हमारा जो लीवर है उसको विभिन्न विषैले पदार्थों जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि से सुरक्षा प्रदान करता है। अतः हमारा जो लीवर है
यकृत है वो स्वस्थ बना रहता है तथा वो है अपना कार्य सुचारू रूप से करता रहता है। विटामिन ई का अगर अभाव हो जाता है तो यकृत में विकार उत्पन्न हो जाते हैं तथा इसमें घाव भी हो जाते हैं विटामिन ई के अभाव के कारण। तो ये हुए हमारे विटामिन ई के कार्य। तो विटामिन ई के कौन कौन से कार्य हुए? एक तो ये विटामिन ए तथा कैरोटीन के ऑक्सीकरण को रोकता है, लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में मदद करता है, कोशिकाओं की रचनात्मक एकता को बनाए रखता है, प्रजनन में सहायक होता है, न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के चयापचय में मदद करता है, लीवर को स्वस्थ बनाकर रखता है और मांसपेशियों को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए विटामिन ई की आवश्यकता होती है। अब इसकी कमी के प्रभाव क्या है? अगर हमारे आहार में विटामिन ई नहीं लेते हैं तो उसका हमारे शरीर पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, क्या असर दिखाई देता है? तो विटामिन ई के प्रभाव कमी से जो अभी आगे बताए हैं कमी के प्रभाव वही क्या हो जाएंगे, इन्हीं के ऊपर प्रभाव पड़ेगा और वो भी क्या बन जाती है कमी के प्रभाव। एक तो क्या हो जाएगा प्रजनन क्षमता में कमी आ जाएगी, तो उनके यकृत में रोग हो गया और इसके कारण उनका यकृत है जो उनका लीवर है वो धीरे धीरे गलकर नष्ट हो गया। तो इसीलिए उसको क्या कहते हैं, यकृत का नेक्रोसिस कहते हैं। मनुष्य के यकृत को यह विभिन्न विषैले तथा हानिकारक पदार्थों से सुरक्षा प्रदान करता है, परंतु विटामिन ई के अभाव में यह संभव नहीं हो पाता कि हमारा यकृत स्वस्थ रहे। तो स्वस्थ रखने के लिए विटामिन ई आवश्यक होता है। अगर यह नहीं मिलेगा तो यकृत में विषैले पदार्थों का जमाव शुरू हो जाता है और विषैले तत्व यकृत की कोशिकाएं हैं उनको नष्ट करना शुरू कर देती हैं, जिसके कारण यकृत की जो कोशिकाएं हैं वो धीरे धीरे नष्ट होने लग जाती हैं, गलने लग जाती हैं, मरने लग जाती हैं और यकृत की कोशिकाओं का मरना ही क्या कहलाता है, नेक्रोसिस कहलाता है। तो नेक्रोसिस को क्या कहेंगे, इसको कहते हैं जब विटामिन ई के अभाव में यकृत की कोशिकाएं मरने लग जाती हैं, यकृत की कोशिकाओं का मरना इसके अभाव में विटामिन ई के अभाव में तो वो नेक्रोसिस कहलाता है। अगला जो इसका कार्य है इसमें है मांसपेशीय ऐंठन,
जाती है। आपको कल भी बताया था जब विटामिन डी की कमी होने लग जाती है तो भी हो जाता है। विटामिन ई के अभाव में लाल रक्त कणिकाओं का नाश होने लग जाता है, आरबीसी का निर्माण ठीक प्रकार से नहीं हो पाता, जिसके कारण रक्त अल्पता रोग हो जाता है। और विटामिन ई के अभाव में कभी कभी शिशुओं में आरबीसी के अधिक नष्ट होने तथा हीमोग्लोबिन से अलग होने के कारण रक्त अल्पता रोग हो जाता है। मांसपेशीय ऐंठन, विटामिन ई के अभाव में शरीर की पेशियों में कमजोरी आ जाती है, इसके कोशों में टूट फूट होने लग जाती है, मांसपेशियों के अनावश्यक संकुचन शुरू हो जाता है तथा पेशियों में तीव्र दर्द और ऐंठन होने लग जाती है। इसके अतिरिक्त विटामिन ई के अभाव में हृदय रोग, यकृत में घाव, नेक्रोसिस, रजोनिवृत्ति के बाद हार्मोनल असंतुलन आदि रोग भी हो जाता है। तो इस प्रकार से कई प्रकार की गड़बड़ियां हैं जो इसके अभाव में हो जाती हैं। अब इसके उपचार की बात करते हैं कि किस प्रकार से इसका उपचार करेंगे। विटामिन ई बतौर उपचार उसको प्रभावशाली रूप से कार्य करता है। अगर उसको विटामिन ई दिया जाए तो वो अच्छी प्रकार से उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। बार बार गर्भपात होने से रोकने के लिए भी विटामिन ई देना आवश्यक होता है। बांझपन को रोकने के लिए विटामिन ई आवश्यक है। डायबिटीज भी हो जाती है इसकी कमी से, तो डायबिटीज के उपचार के लिए भी विटामिन ई आवश्यक है। हृदय रोग के लिए, हार्ट डिजीज जो हो जाती है उनके लिए आवश्यक होता है। त्वचा संबंधी विकार उत्पन्न हो जाते हैं तो उसके उपचार के लिए यह आवश्यक होता है। शिशुओं में रक्त अल्पता होने से बचाने के लिए विटामिन ई देना चाहिए। मांसपेशीय दुर्बलता को दूर करने के लिए विटामिन ई देना चाहिए। उपरोक्त स्थिति में ऐसी कोई स्थिति आ जाती जितनी भी अभी मैंने बताई है, चाहे वो बांझपन हो, गर्भपात हो, मांसपेशियों में ऐंठन हो, हृदय रोग हो, मधुमेह रोग हो या शिशुओं में रक्त अल्पता रोग हो, तो उस केस में 500 से 1000 मिलीग्राम विटामिन ई से अपेक्षित सुधार देखने को मिल सकता है, यानी इतनी खुराक उसको देनी पड़ती है। परंतु यदि 3-4 ग्राम प्रतिदिन विटामिन ई प्रतिदिन आहार में माध्यम आहार के माध्यम से या दवाई के माध्यम से लिए जाए तो मनुष्य के शरीर में विषाक्तता भी उत्पन्न हो जाती है। तो आवश्यकता से अधिक भी नहीं लेना चाहिए, 3-4 ग्राम प्रतिदिन ही उसको लेना चाहिए, उससे अधिक नहीं लेना चाहिए। प्राप्ति स्रोत, इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है विटामिन ई की? विटामिन ई सभी भोज्य पदार्थों अथवा पदार्थों में प्रचुर मात्रा में होता है। गेहूं तथा मक्के के भूण के तेल में यह सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। गेहूं के जो बीज होता है उसका तेल निकालते हैं, और मक्का के तेल में भी विटामिन ई बहुत ज़्यादा पाया जाता है। वनस्पति तेलों तथा वसा में भी विटामिन ई प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हम जो तेल वगैरह खाते हैं, तेल खाते हैं आप देखते हो तो उसके अंदर लिखा होता है कि इनके अंदर कितनी कितनी क्वांटिटी किस किस पदार्थों की, तत्वों की होती है। आप देखा करें, लेबल लगा होता है, लेबल पे लिखा होता है कि ये इसके अंदर इतनी मात्रा फैट की है, इतनी मात्रा कार्बोज की है, इतनी मात्रा इसके अंदर विटामिन है, प्रोटीन है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, सारी चीज़ों की उसके अंदर मात्रा लिखी होती है। फल एवं सब्जियां विटामिन ई प्राप्ति के निकृष्ट साधन है। निम्न सारणी जो है उसमें बताते हैं कि जैसे कि उत्तम सर्वोत्तम साधन तो बताया गया है गेहूं और जौ के तेल का है, और चावल के चोकर का तेल, ताड़ का तेल, बिनौले का तेल और सोयाबीन, मूंगफली, सरसों, इनके तेलों में विटामिन ई की मात्रा पाई जाती है। उत्तम जो सबसे अच्छे साधन बताए ये वाले जो अनाज हैं इनके अंदर, फिर उत्तम जो साधन है उनके अलावा इनके बजाय कम जिसमें विटामिन ई होता है वो जई का आटा हो गया, चावल जो भूसी रहित होता है, चावल पॉलिश किया हुआ होता है, संपूर्ण गेहूं का आटा है और गेहूं का सफ़ेद आटा या कहें कि मैदा, तो इनमें थोड़ा कम विटामिन ई पाया जाता है। बिल्कुल कम जिनके अंदर होता है जैसे कि गाजर है, गाजर में थोड़ा बहुत होता है, प्याज, टमाटर, करेला, केला, संतरा,
और मुर्गी का मांस, अंडा जो होगा, पनीर है, दूध है, इनके अंदर विटामिन ई की मात्रा बहुत कम, थोड़ी थोड़ी मात्रा पॉइंट्स में मिलती है इसकी मात्रा। तो इसके लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए, आपको अभी बताया कि कितना कितना हमारे आहार में ये शामिल करना चाहिए। तो इसकी जो प्रतिदिन आवश्यकता है, जैसे कि शैशवावस्था में 0 से 1 वर्ष का जो बच्चा है, जन्म से लेकर 1 वर्ष का जो बच्चा है, उसको प्रतिदिन पर डे उसको 3 से 4 मिलीग्राम देना चाहिए पर डे उसको एक दिन में। फिर बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था यानी 2 से 10 वर्ष का बच्चा है, उसको 5 से 7 मिलीग्राम पर डे देना चाहिए। किशोरावस्था में प्रतिदिन उसको 18 साल का जो बच्चा है किशोरावस्था में, उसको 7 से 8 मिलीग्राम पर डे उसको देना चाहिए। वयस्क स्त्री तथा पुरुष उसको 8 देना चाहिए। गर्भवती माता को 10 मिलीग्राम पर डे देना चाहिए और जो दूध पिलाने वाली धात्री माता है, लैक्टेटिंग मदर है, उसको भी 10 मिलीग्राम पर डे आहार में विटामिन ई की मात्रा देनी चाहिए। माता के दूध में पर्याप्त मात्रा में 2 से 5 मिलीग्राम पर लीटर टोकोफ्रोल होता, अल्फा टोकोफ्रोल होता है, जिससे उनकी दैनिक मांग की पूर्ति बच्चे में हो जाती है। गाय के दूध में विटामिन ई कम मात्रा में विद्यमान रहता है, इसीलिए गाय के दूध पर पलने वाले बच्चों को विटामिन ई की ज़्यादा आवश्यकता होती है। भैंस के दूध, माता के दूध में ज़्यादा होती है, लेकिन गाय के दूध में विटामिन ई की मात्रा कम होती है। वयस्कों में यदि कुल आवश्यक ऊर्जा का 25% भाग वसा से ग्रहण किया जाता है तो 3 मिलीग्राम विटामिन ई की प्राप्ति होती है। यानी अगर हम 25% हम वसा खाते हैं, फैट लेते हैं, तेल घी वगैरह खाते हैं, तो हमारी 3 मिलीग्राम की पूर्ति है वो वहाँ से होता है। क्योंकि कितनी बताई आपको, टोटल 8 बताई है, तो बच गई कितनी, 5 बज गई। 5 कहाँ से लेनी चाहिए, हमें अदर फूड्स खाकर, जो अदर जो और जो इसके प्राप्ति के साधन है उसको लेना आवश्यक होता है। तो ये हुई हमारी विटामिन ई के बारे में। तो विटामिन ई का जो हमारा चैप्टर है, वसा में घुलनशील जो विटामिन ई है, एक और विटामिन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ए हो गया हमारा, डी हो गया, और आज की क्लास में हमने विटामिन ई किया है। तो विटामिन ई के बारे में पढ़ा, 1922 में इसकी खोज हुई थी, कमी के प्रभाव बताए कि सबसे अधिक इसके कार्य बताए और इसके कमी के प्रभाव आपको ये भी बताया कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है विटामिन ई, वो प्रजनन क्षमता के लिए आवश्यक होता है। प्रजनन क्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए विटामिन ई की आवश्यकता होती है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।